जय माता दी, जय मां कामाख्या। बहुत से साधक या पूजा पाठ करने वाले, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है और अपने अपने प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती है। धर्म को ज्ञान लेने की, धर्म को जान लेने की जिज्ञासा होती है कि हम धर्म को कैसे समझें, तंत्र को कैसे समझे। परंतु कई मनुष्यों के पास में उचित गुरु नहीं होने की वजह से, या गुरु है परंतु उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, तो वो अपने प्रश्नों का किससे समाधान करें। इसके लिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। जिन मनुष्यों को आध्यात्मिक भूख होती है, उन मनुष्यों के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाता है। तो पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि अघोरी साधक कौन होता है। अब यह प्रश्न नॉर्मली वो करेगा जो अघोरी से एक बार मिला या खुद अघोरी बनना चाह रहा है, या फिर कभी उसने बातचीत में सुन लिया कि अघोरी से दूर रहना चाहिए, अघोरियों से डरना चाहिए, खतरनाक होते हैं। तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती कि अघोरी कौन होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि अघोरी साधक और सांसारिक साधक, उन दोनों में अंतर क्या होता है। और तीसरा प्रश्न आता है इसी से संबंधित कि क्या गृहस्थ साधक अघोरी बन सकता है। तीनों प्रश्न एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है। तो अघोरी का साधक का मतलब होता है ऐसा मनुष्य जिसने अपने अघोरी गुरु से गुरु दीक्षा लेने के बाद जो मंत्र प्राप्त हुआ, उस मंत्र की उनके विधान के अनुसार उसका जप किया हो, तप किया हो, उसका विधान का पालन किया हो, वह अघोरी साधक कहलाता है। इसमें कहीं पर भी यह नहीं आता है कि वह सांसारिक व्यक्ति होना चाहिए या संसार को त्यागने वाला मनुष्य होना चाहिए। मतलब साधु, संत, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी, बैरागी, ये सब को अघोरी नहीं कहा जा सकता। जिस मनुष्य ने किसी अघोरी गुरु से गुरु दीक्षा लेकर के उस मंत्र का उन्हीं के विधान के अनुसार जैसा गुरु ने बताया उसका यदि वो पालन करता है, उसके अनुसार चलता है, तो वह खुद जो करने वाला मनुष्य जिसने साधना ली है वह अघोरी साधक कहलाता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वह साधु ही हो, संत ही हो, त्यागी ही हो, तपस्या ही हो, परिवार छोड़ दिया गया हो, या ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। कोई भी सांसारिक प्राणी जिसने विवाह कर रखा हो, पत्नी बच्चे हो, वो भी अघोरी साधना कर सकता है। कोई अंतर नहीं है। और क्या गृहस्थ साधक अघोरी बन सकता है? तो हां, बन सकता है। एक गृहस्थ व्यक्ति जिसके पत्नी बच्चे हैं वो भी अघोरी बन सकता है, बशर्ते कि उसका गुरु उसको वो अघोरी विद्या सब बताए और वो उनसे अघोरी विद्या सीख ले। तो एक गृहस्थ व्यक्ति जिसके पत्नी भी है, बच्चे भी है, माता पिता भी है, जिनके साथ वो रहता हो, तो भी वह गृहस्थ भी अघोरी साधक बन सकता है, साधना कर सकता है, सिद्धियां प्राप्त कर सकता है और परोपकार का काम भी कर सकता है। फिर अगला प्रश्न आता है,
अमिया मैं पूरी अघोरी क्या होता है, अघोरी साधना क्या होती, ये नहीं बता रहा हूं मैं। प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न आया मैंने उसका जवाब दिया कि अघोरी साधक कौन है, अघोरी साधक और सांसारिक साधक, साधना साधक में क्या अंतर होता है, और गृहस्थ साधक क्या अघोरी बन सकता है। इन तीनों चारों का उत्तर मैंने आपको दे दिया। अगला प्रश्न आता है कि क्या मासिक धर्म रहते हुए, स्त्री की अशुद्धता रहते हुए, एमसी पीरियड रहते हुए, रजस्वला रहते हुए, क्या कोई महिला साधना कर सकती है? अगर नहीं कर सकती तो उसकी साधना कैसे पूर्ण होगी? क्योंकि नॉर्मली साधना 21 दिन की, 27 दिन की, सवा महीने की, 41 दिन की, 90 दिन की साधना होती है। तो क्या महिला कोई साधक नहीं बन सकती? तो इसका जवाब यह है कि एक स्त्री को अपनी अशुद्ध अवस्था रहते हुए तो कोई भी जप तप साधना पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना चाहिए। शास्त्र भी कहता है कि महिलाओं को अशुद्ध अवस्था में किसी भी प्रकार की कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, हवन पूजन नहीं करना चाहिए, जप तप भी नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यहां पे आता है कि यदि वो ये जप तप नहीं कर सकती तो 21 दिन, 27 दिन की या फिर 90 दिन की या 41 दिन की साधना कैसे पूर्ण होगी? तो महिलाओं के मामले में छूट दी गई है कि उन महिलाओं को जो अशुद्ध अवस्था में होती है उन्हें 7 दिन तक कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता, और वो 7 दिन उनके गैप के नहीं माने जाते, और उसके बाद में फिर से वो साधना कर सकती है। तो मासिक धर्म के समय पे कोई भी साधना नहीं कर सकती, पूजा पाठ नहीं कर सकती, हवन नहीं कर सकती, जप तप नहीं कर सकती, सिर्फ मानसिक जप वो किया जा सकता है। परंतु हवन नहीं कर सकती, दीपक नहीं लगा सकती, अगरबत्ती नहीं लगा सकती, जप में वैसे जप कर सकती जो साधारण मंत्र हो, बीज मंत्रों का प्रयोग हो, वो जप नहीं कर सकती। फिर अगला प्रश्न होता है कि वैष्णव कौन होते हैं और क्या अघोरी वैष्णव होते हैं? प्रश्न जिनने भी किया है उनको बहुत कम ज्ञान है। वैष्णव यानी वैष्णव पंथ अलग होता है, अघोरी पंथ अलग होता है, एक पूरब होता है, एक पश्चिम होता है। तो जिस भी बालक ने यह प्रश्न किया है उस बालक को इस आध्यात्म के क्षेत्र का ABCD भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उसने यह प्रश्न किया कि वैष्णव क्या होता है और अघोरी क्या होता है। सिर्फ सिंपल है इसका उत्तर कि एक पूरब है, एक पश्चिम है। उस बालक को पहले थोड़ा सा ज्ञान लेना जरूरी है। ऐसे सभी कहते हैं कि मैं वैष्णव हूं। वैष्णव का मतलब होता है ऐसा मनुष्य जो शमशान की पूजा नहीं करता हो, जो रात में पूजा नहीं करता हो, जो रात में जप तप नहीं करता हो, और जो मांस का सेवन नहीं करता हो, मदिरा पान नहीं करता हो, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करता हो, उसे वैष्णव बोला जाता है। और एक अघोरी, उसके लिए इन सब किसी भी चीजों का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। गुरु गम्य दीक्षा होती है, एक गुरु से दूस अपने शिष्य को आती, फिर वो गुरु बनता है, वो शिष्य फिर गुरु बनने के बाद में फिर अपने अनंत नीचे शिष्यों को जो शिक्षा देता है, या गुरु गम्य शिक्षा होती, गुरु से प्राप्त शिक्षा होती है, उसे अघोरी शिक्षा कहते हैं। तो अघोरी लोग वैष्णव नहीं हो सकते और वैष्णव लोग अघोरी नहीं हो सकते। अब अगला प्रश्न जो अधिकतर में प्राप्त होता है, कोई भी मनुष्य साधना करता है, किसी देवी शक्ति का अनुष्ठान करता है, तो उसका मन बहुत भटकता है,
और कई बार तो वो साधना बीच में छोड़ देता है और कई बार पूरी करता पर उसे फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो वो कहता ये सब ढकोसले हैं। तो साधना करते समय मन भटकता है तो उसे केंद्रित कैसे किया जाए? इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि साधना करते वक्त यदि मन बार बार इधर उधर भटकता हो, आपका एक जगह कंसंट्रेशन नहीं हो पाता हो, तो सबसे पहले आपको न चाहते हुए भी मंत्रों का जप करना चाहिए, जितना हो सके, जैसे हो चाहे, चाहे दिन में हो, रात को हो, शाम को हो, दोपहर को हो, सवेरे हो, जिस समय समय मिल जाए उस समय मंत्रों का जप करना चाहिए, जिससे आपका शरीर शुद्ध होता है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपके शरीर और आत्मा के ऊपर जो बहुत सी मलिनता होती, बहुत से धूल मिट्टी लगी हुई होती है, बहुत से विकार उत्पन्न होते हैं, वो मंत्र जप करने से धीरे धीरे छट जाते हैं और आपका शुद्ध शरीर हो जाता है, आपका मन एक कांच के माफिक साफ सुथरा हो जाता है। इसका एक उदाहरण देता हूं कि जैसे एक मनुष्य यदि एक अपने मकान को एक साल के लिए बंद करके छोड़ दे और एक साल बाद जब वो ताला खोलने के लिए जाता है तो उस मकान के अंदर बहुत सारे जाले लगे हुए मिलेंगे आपको, या हो सकता है जो जमीन है उस जमीन के ऊपर धूल मिट्टी पड़ी हुई हो सकती है, कचरा हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब उस मकान को जो एक साल से बंद पड़ा हुआ था उसके अंदर जब ये इस प्रकार की धूल मिट्टी कचरा जाले आ जाते हैं तो उसको बार बार दो तीन बार सफाई करना होती, एक बार की सफाई से वो मकान साफ नहीं होता है। तो जब बार बार अपन सफाई करते हैं तो एक बार में धूल निकलती, फिर दूसरी बार में भी और धूल निकलती, तीसरी बार में और कम धूल निकलती है, परंतु धूल निकलती है और कुछ धूल उड़ती भी है, उसके बावजूद भी सफाई करने वाला उस मकान की सफाई करता है क्योंकि उसको वापिस रहने के लिए आना है। तो जब वो बार बार तीन बार झाड़ू लगाता है तब जाकर के वो मकान साफ होता है और इस प्रकार से धूल अलग अलग जगह अलग अलग समय पे उड़ती रहती है। इसी प्रकार मनुष्य को अपना जप करते रहना चाहिए, बार बार जप करते रहना चाहिए तो उसके शरीर के अंदर की जो धूल मिट्टी है, जो विकार है, वो विकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, मन पवित्र हो जाएगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी, शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा, तब जाकर के उसका मन इस साधना में लगने लगेगा, मन जो है साधना करने में ज्यादा लगने लगेगा। यानी कि शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से मन नहीं भटकेगा आपका। तो किसी भी हालत में एक और उदाहरण दे देता हूं कि खेत के अंदर जो आप अनाज बोते हो, चाहे वो अनाज उल्टा पड़ता हो, चाहे सीधा पड़ता हो, चाहे टेढ़ा पड़ता हो, चाहे आड़ा पड़ता हो, एक न एक दिन वो अनाज जो है पानी मिलने के बाद, मॉइस्चर मिलने के बाद में ऑटोमेटिकली वो उग जाता है और एक पौधा बनकर के और अनेक बीज उत्पन्न कर देता है। उसी प्रकार से मंत्र जप चाहे दिन में करो, रात में करो, सोते बैठे उठते जिस तरीके से करो, हर समय वो मंत्र काम करता है और आपकी धूल मिट्टी को झाड़ने का काम करता है। यानी कि मंत्र उल्टा सीधा कैसे भी बोला जाए काम करता है, बस आत्मा पवित्र होना चाहिए। तो ओम ह्रीम गणेशाय नमः, ओम एम त्रिलोक्य डामराय नमः, ओम ह्रीम स्तंभाय नादि चक्राय नमः, इन मंत्रों का प्रयोग करके आप अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो। ओम एम आत्म ततम शोध्यामी नमः स्वाहा, ओम ह्रीम विद्या ततम शोध्यामी नमः स्वाहा, ओम ग्लीम शिव ततम शोध्यामी नमः स्वाहा, इन मंत्रों को पढ़ के आप अपने पानी को अभिमंत्रित करके उस पानी को पीना चाहिए, इससे भी आत्मा का शुद्धिकरण होता है और आपका मन ध्यान मंत्र जप करने में लगने लगेगा। अगला प्रश्न आता है कि साधना करते समय शक्तियों का अनुभव कैसे और कब होता है? यह भी प्रश्न जिस बालक ने किया है उसको अभी साधना की एबीसीडी भी नहीं मालूम। एक बार वो प्रश्न सुनो कि साधना करते समय शक्तियों का अनुभव कैसे होता है और कब होता है। यानी वो व्यक्ति जिसने प्रश्न किया अभी साधना में उतरा ही नहीं, जब वो नदी में ही नहीं उतरा तो उसे कैसे मालूम चलेगा कि पानी ठंडा है या गर्म है या फिर कितना गहराई है,
उसमें उतरना होगा, उसमें डूबना होगा, उसमें डूबकी लगाना होगी। इसी प्रकार से साधना होती है, साधना करते समय मनुष्य को उस साधना में डूबना पड़ता है, अपने आप को उसमें रमाना पड़ता है। जिस शक्ति की साधना करो उसके अंदर समाहित करना होता है, उसके अंदर इस शरीर को अपनी आत्मा को समर्पण करना होता है, तब अनुभव आने लगते हैं। कब आएंगे ये मालूम नहीं, क्योंकि जब तक आप नदी में नहीं उतरोगे, पानी के अंदर नहीं डूबोगे, तब तक आप स्नान किया कैसे मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से साधना में भी डूबना पड़ता है, अपने आप को शक्ति को अर्पित करना होता है, समर्पण करना होता है, त्याग करना होता है, अपने आप को भूल जाना पड़ता है, तब जाकर के साधना का अनुभव होने लगता है। यानी कि आप अपने आप को उस शक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करो, उसके अंदर इतनी जितनी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होती है, जितना तेज होता है उतना तेज, उतनी शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता आप अपने आप में लेकर के आ जाओ, बस आपको अनुभव होने लगेगा। और ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जप तप करते हो, कितना तपते हो, कितना अनुभव होता है, कितना त्याग करते हो, कितना समर्पण करते हो, कितना हो सकता है भूखे रहने से भी त्याग होता है। कोई व्यक्ति हवन पूजन करके त्याग करता है, कोई व्यक्ति जप तप करके त्याग करता है, कोई व्यक्ति उसी के अंदर रमा रहता है उसको भी त्याग बोला जाता है, कोई व्यक्ति पैसे कमाता है तो वो भी समय का त्याग करता है, और कोई व्यक्ति सर्विस करता है तो वो सर्विस का समय भी त्याग होता है। तो जब तक सेक्रीफाइस नहीं करता है, जब तक त्याग नहीं करता है, कोई पैसा प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से साधना में भी आपको त्याग करना होगा, तब साधना की सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा सिद्धि नहीं मिलती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या आपको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, प्रसन्न रखे। और ये जो स्त्रोत में बोलने जा रहा हूं, इस स्त्रोत को कोई भी मनुष्य, विवाहित पुरुष या विवाहित स्त्री, इस स्त्रोत का पाठ करती है तो उसके यहां लक्ष्मी जी हमेशा भंडार भर करके उसके यहां निवास करती है। ओम भग रूपा जगन्माता सस्ती स्त्रीलान्विता दस विद्या स्वरूपात्मा यो निर्मापा तू सर्वदा कौन त्रय युक्ता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता यो निर्मापा तू सर्वदा कात्रिकी कुंतल रूपम योन्योपरि सुशोभितम भुक्ति मुक्ति प्रदा योनि यो निर्मापा तू सर्वदा वीर रूपा शैलपुत्री मध्यस्थानि विराजिता ब्रह्मा विष्णु शिव श्रेष्ठा यो निर्मापा तू सर्वदा यो निर्मध्ये महाकाली छिद्रूपा सुशोभना सुखदा मदनागारा यो निर्मापा तू सर्वदा कल्याणादि योगिनी देवी योनि कोणेषु संस्थिता मनोहरा दुखलम्या यो निर्मापातु सर्वदा सदाशिवो मेरुरूपे योनिर्मद्देवस्य तदा कैवल्यद्या काम मुक्ता यो निर्मापातु सर्वदा सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता सर्वप्रसवकर्ती तम यो निर्मापातु सर्वदा सर्वतीर्थमय योनि सर्वपाप प्रणाशिनी सर्वग्रहे स्थिता योनि यो निर्मापातु सर्वदा मुक्तिदा धन्दा देवी सुखदा कीर्तिदा ददा आरोग्यदा वीरता पंचतत्युता सदा योनि स्रोतन्मिदं प्रोक्तं यपठे यो सन्निधो शक्ति रूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता कामख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्कामार सिद्धयेत ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।